राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रेंच विधि खेती चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज हम ये ट्रांसप्लांट करेंगे पौधे जहां पर भी गैप है, और गैप फिलिंग पूरा करेंगे। पानी दे दिया है और ये इसके ऊपर से पत्ते काट दिए हैं। पत्ते काटने का कारण ये है कि पौधा सूखने का नहीं, एकदम से जड़े मतलब रुकने की नहीं है, जड़े चलेंगी बहुत अच्छी और पौधा एकदम से ग्रोथ कर लेगा। नहीं तो अगर हम डायरेक्ट ऐसी लगा देंगे तो पौधे की ये सारी पत्ती सूख जाएंगी, ये ऊपर की पत्ती सब सूख जाएंगी, तब ग्रोथ चलेगी। तो काटने का इनका कारण बस यही है कि इनको काटने से ग्रोथ, पौधा जो है जड़े एकदम से चलती हैं, झटका नहीं लगता पौधे को। तो ये लगाई थी हमने 238 की पौध, ये बेड के ऊपर, ये एक ये खूड है, ये खूड है यहाँ पे, इधर ये 5 फुट का गैप है, इसमें हमने लगा दी थी। चलो निकालो। ये इस तरह से निकाल रहे हैं, जड़े बिल्कुल भी नहीं टूट रही। इसमें नीचे कुड़ी का खाद, मुर्गी की बीट, ये सब डाला हुआ था। और जहां पर भी गैप है वहां इसको हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ये नाली का डोला है और ये गन्ना था, यहाँ पे लगभग 3 फुट की जगह थी तो हमने एक पौधा यहाँ पे रख दिया। इसी तरह से यहाँ पे लगा दिया। तो ऐसे ही ये हमारा रेक्टेंगल पिट आ गया, ये वाला 118 वैरायटी। ये वाली आ गई 15023, 1, 2 और ये 3। ये 3 खूड 15023 के हैं, सिंगल बर्ड, और एक एक फुट पे एक बर्ड रखी है। फिर ये 1, 2 और ये 3। ये 3 खूड हैं, डबल बर्ड, और काउंटिंग उतनी है, गिनती पेंडे आंख, गिनती आंख उतनी है जितनी उसमें हमने 3 खूड में लगाई थी। मान लो उसमें 500 आंख लगी हैं तो 500 ही आंख यहां तक लगाई है हमने 3 खूड में। अब ये 1, 2 और ये 3, ये 3 खूड है हमारे। जैसे हम बुआई करते हैं, 2 आंख का पेंडा काटा और डायरेक्ट पेंडे से पेंडा मिला के डाल दिया। तो मुझे तो फर्क ये लग रहा है, इसमें बढ़वार भी ज्यादा है और आपका ट्रिलिंग भी, मतलब लाइन पूरी भरी हुई चमक रही है, खाली नहीं है कहीं से भी। अब तक तो ये वाला हमारा जो पुराना मेथड है वही सही चल रहा है, इतना बढ़िया नहीं लग रहा वो जो मिल ने कराया था सिंगल बर्ड वाला। और ये है STP के, 1, 2 और ये 3, 3 खूड ये STP के है। धरती आसमान का फर्क हो गया। 1, 2, 3 ये कोकोपिट के सबसे बढ़िया चल रहे हैं, STP के उतने बढ़िया नहीं चल रहे, कुछ जगह जगह गैप भी है, पौधा सूख गया। ये भी 15023 है। और फिर यहां से ये आ जाती है आपकी 18 वैरायटी। तो देख सकते हैं 18 में ज्यादा फुटाव चमक रहा है और स्वस्थ, ये देखो मिल गया टॉप बोरर के अंडे। अब इसको हम नष्ट कर देंगे। ये हमने इसका बना दिया हलवा, खत्म कर दिया है। भाइयों, गैप फिलिंग शाम के टाइम करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सुबह करेंगे तो दोपहर में तेज धूप होने के कारण पौधे मर जाएंगे, मतलब पौधे मरने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि तेज धूप पड़ती है, ज्यादा गर्मी होगी तो पौधा उसको सहन नहीं कर पाता, वो मर जाता है, सूख जाता है। तो इस वजह से शाम को करें तो उसे संभालने का टाइम मिल जाता है। तो ये 2 बच्चे लग रहे हैं, ये इसमें थोड़ा सा काम उधर भी है, गैप फिलिंग सारी कर देंगे।
कुछ पौधे 31.02 के भी बना लिए थे इस वाले बेड पर। और इधर 38 के पौधे। तो किसान भाइयों, ये काम तो सभी किसान भाइयों को करना चाहिए जो भी ट्रेन से गन्ना बोते हैं। गैप फिलिंग के लिए गन्ना बुआई करते समय ही बेड पर इस तरह से पौधे, मतलब पौध तैयार कर लें और जहां भी गैप आ जाता है उसको तुरंत भर दें, क्योंकि ट्रेंच विधि में अगर गैप रह जाएगा तो कहीं ना कहीं उत्पादन पर फर्क पड़ेगा, उत्पादन कम होगा। और ट्रेंच विधि में सबसे मेन काम, मतलब जरूरी काम जो है वो यही होता है, कहीं पे भी गैप नहीं रहना चाहिए, गैप बढ़ेगा उत्पादन घटेगा। ठीक है भाइयों, तो इन छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, इनका विशेषकर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।